हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू 2019 हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब वेब सेपिंग सर्किट तो कौन सा वेव शेपिंग सर्किट है क्लैम्पर भी वेव शेपिंग सर्किट सर्किट होता है और क्लिपर भी होता है कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर टू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सर्किट ये सर्किट आपको दिया हुआ है पूछ रहा है ये कौन सा सर्किट डायग्राम है किसका सर्किट डायग्राम है तो ये क्लैम्पर का है किसका है क्लैम्पर का ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए ए डिफ्रेंशियटर कंसिस्ट ऑफ डिफ्रेंशिएटर में क्या होता है रेसिस्टर होता है ओपएम होता है कैप्सिटर होता है ऑल ऑफ एभव सभी चीज़ होता है ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर है ए डिकोडर हैज एन इनपुट लाइंस एंड डैश आउटपुट लाइन कितना एन इनपुट लाइन होता है और मैक्सिमम जो है टू टूटोडी पावर एन आउटपुट लाइन होता है मैक्सिमम टू टूटूडी पावर एन आउटपुट लाइन ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए मैग्नेटिक टेप्स टू रिकॉर्ड साउंड वीडियो कंप्यूटर डाटा ऑल ऑफ ए भव ऑल ऑफ ए सभी का यूज किया जाता है सभी रिकॉर्ड होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मोनो स्टेबल मल्टीफाइवेटर मोनो स्टेबल मल्टीफाइवेटर में क्या होता है एक आपको इनपुट पल्स चाहिए एक जो है ट्रिगर पल्स चाहिए इट रिक्वायर्ड वन इनपुट पल्स ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए सेवन क्वेश्चन नंबर सिक्स ये था क्वेश्चन नंबर सेवन इन मल्टी भाइब्रेटर ट्रांजिस्टर वर्क्स इन डैश रीजन मल्टी भाइब्रेटर में ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करता है कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन में डी हो जाएगा बोथ ए एंड सी डी हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर एट है ट्रिपल फाइव टाइमर कंसिस्ट ऑफ डैश ऑपरेटर ट्रिपल फाइव टाइमर में कितना ऑपरेटर होता, होता है तो दो ऑपरेटर होता है ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेमोरी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन डू नॉट चेंज विथ टाइम स्टेटिक मेमोरी में भी डायनेमिक भी बोथ ए एंड बी हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ प्रोग्राम्ड कौन सा मेमोरी प्रोग्राम रहता है तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग टाइम में ही मैन्युफैक्चरिंग टाइम में ही प्रोग्राम कर दिया जाता है किसको रोम को आर ओ एम ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोग्राम रहता है क्वेश्चन नंबर एलेवन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्वेंशियल मेमोरी कौन सा सिक्वेंशियल मेमोरी नहीं है तो क्या हो जाएगा सी सी टी वी नहीं है रैम भी नहीं है सिट रजिस्टर ऑल ऑफ ए भव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैग्नेटिक कोर मेमोरी मैग्नेटिक कोर मेमोरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है इट इज़ नन वोलेटाइल मेमोरी सही है दिस मेमोरी कैन बी रीड ओनली सही है सी हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज है सी डी रोम भी है रैम शिफ्ट रजिस्टर ऑल ऑफ एब कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए इन एन बिट वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इज एन बिट वेटेड रजिस्टर में कितना चाहिए रेसिस्टर तो एन प्लस वन चाहिए एन प्लस वन ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट एन अलॉ टू डिजिटल कन्वर्टर पैरल कंपरेटर पैरल टाइप जो होता है वो फास्टेस्ट होता है इसको हम लोग फ्लैश टाइप भी बोलते हैं फ्लैश टाइप फ्लैश टाइप एन अलॉ टू डिजिटल कन्वर्टर पैरल कंपरेटर को ये सबसे फास्टेस्ट होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है फोर एन एन बिट एनालो टू डिजिटल कन्वर्टर द रेंज ऑफ एनालो वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड इन टू टू डी पावर एन इंटरवल दिस प्रोसेस इज कॉल इसको हम लोग कहते हैं इनकोडिंग क्या कहते है? हैं इनकोडिंग कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है द स्क्रीन ऑफ सी आर टी इज कोटेड विथ जो सी आर टी का स्क्रीन होता है वो किससे कोटिंग रहता है तो फॉस्फर से कोटिंग रहता है फॉस्फर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन है डायमीटर ऑफ बेसिक सी डी रोम इज बेसिक सी डी रोम का डायमीटर कितना होता है एक सौ बीस एम एम ऑप्शन ए हो जाएगा एक सौ बीस मिलीमीटर होता है क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हार्ड डिस्क इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ डिस्क अपर साइड और लोअर साइड दोनों में होता है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड्स ए कैपेसिटर टू स्टोर बाइनरी डाटा किसको बाइनरी डाटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर चाहिए तो डी रैम को ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ऑप्शन बी बी इज राइट आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए ग्रुप बी में है एक्सप्लेन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ इनकोडर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज रॉम राइट इट्स डिफरेंट टाइप क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज कॉम्परेटर इसी का और क्वेश्चन है राइट अप्लीकेशंस ऑफ मल्टी वाइबरेटर सर्किट क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर रिजोल्यूशन एकूरेसी इसके बारे में लिखना है व्हाट इज डायनेमिक रैम क्या होता है एक्सप्लेन हाउ इज हार्ड डिस्क ऑर्गेनाइज इन टू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इसको आपको बताना है इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैग्नेटिक बबल्स डिस्प्ले इन ब्रीफ क्वेश्चन नंबर सेवन है जो कि ग्रुप सी का है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ वेटेड रेसिस्टर डिजिटल टू एनालो कन्वर्टर इसी का और क्वेश्चन है ड्रॉ सर्किट डाइग्राम ऑफ पैरल कम्परेटर एनालो टू डिजिटल कन्वर्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर एट है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बेस्ड बाई स्टेबल मल्टी और क्वेश्चन है इसी का ड्रॉ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ आई सी ट्रिपल फाइव टाइमर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन एज ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्वेश्चन नंबर नाइन है एक्सप्लेन कैथोड रेटिव विद द हेल्प ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शनल डायग्राम इसी का और क्वेश्चन है ड्रॉ पिन डायग्राम ऑफ आई सी एंड एक्सप्लेन इट्स मेन पिन इन ब्रीफ एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सी रोम और इसी का और क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेवन सेगमेंट डिस्प्ले क्वेश्चन नंबर इलेवन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एल ई डी टी वी एल ई डी टी वी का फीचर्स को बताना है इसी का और है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीपर सर्किट ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेज तो ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप देख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू जो सिक्स तो सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है Thank you for watching this video. Thank you so much.